to our YouTube channel. आज हम फैसलिया टावर आए हैं. मिस्टर फवाज चौधरी साहब, ये आप लोग इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं 270 किलोमीटर के फैसलिया टावर में हैं, और इसके बाद मैं आपको व्यू भी करा देता हूँ अगर आप देखना चाहते हैं बाहर से. इसका ये है एक्सपीरियंस एरिया, ये सेंट्रल एरिया में आता है अल फैसलिया टावर. यहाँ से आपको एक एक जो आपने व्यू करना है, यहाँ से जिस लोग मिस जो कर चुके हैं अपॉर्चुनिटी, वो उनके लिए बहुत खूबसूरत एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आने के लिए, कि यहाँ से आप हर जगह को देख सकते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. और जैसे कि आप के सामने हैं किंगडम टावर है, यहाँ पे स्पेशल एक्सेस की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे कोई भी विजिटर आ सकता है, बाहर से भी आ सकते हैं, इंटरनली भी. जो लोग मिस करें इस जो अपॉर्चुनिटी, वो सोचते हैं शायद बहुत इसकी रिकमेंडेशन है, लेकिन नहीं, कुछ 65 रियाल है यहाँ पे पर चार्जेस हैं यहाँ पर. और एक्चुअली जो 5 ईयर्स से जो लेस हैं उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है, और 5 ईयर्स से अबव उनके लिए चार्जेस हैं 65 रियाल. तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और व्यू कर सकते हैं यहाँ पर आने के लिए. और जैसा कि आप ऊपर भी मैं दिखा देता हूँ व्यू, ये ग्लोब है, ये रेस्टोरेंट है, इसके अंदर 3 फ्लोर्स हैं, और इसी गोल्ड लॉन्च है इसके अंदर, इसमें है डाइनिंग है, लंच है. और इसकी बुनियाद 2000 में हुई थी सर, मई 2000 में ओपन हुआ था इसका. और इसकी जो बुनियाद है, जैसा कि आप ये नीचे देख लें, 2 बिल्डिंग्स हैं, वाइट किंग फैसल फाउंडेशन है. तो जी, इसके ऑनर जो हैं वो किंग फैसल हैं, और उनके जो जो कहने के सन्स हैं, जिस तरह खालिद अल फैसल हो गए, तुर्की अल फैसल हो गए, और जो अल्लाह रहम सऊद अल फैसल थे, तो तुर्की अभी जो इनको संभाल रहे हैं वो खालिद अल फैसल हैं. और उनकी ओपनिंग जो की थी सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने की थी 2000 में, और बहुत अच्छा खासा है. अगर आप YouTube में जाएं, इसकी ओपनिंग अगर आप देखें तो बहुत शानदार हुई थी. फवाज भाई, इसके चारों चौपहर मुझे बहुत सारी खूबसूरत बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, सारी जगह दिखाई दे रही हैं, और कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स उस वाले रोड पे भी. तो क्यों ना स्टार्ट करें इस वे से, आई गेस ये वेस्ट साइड है हमारी. ये बिल्कुल जो हमारी आप कह लें कि वेस्ट और नॉर्थ है, और ये यहाँ पर आपको जो अकोमोडेशन भी दिख रही हैं, उसके बाद आपको पनोरामा मॉल भी दिख रही है, जो रिसर्च फिलहाल में रिसेंटली भी ओपन हुई थी तकरीबन. इसके और ये सारे विलाज हैं, ये सब विलाज हैं यहाँ पर. और वीआईपी एरिया जहाँ पे हम खड़े हैं उसको उलैया भी कहते हैं, और सुलेमानिया के बीच में आए थे. सही. और ये यहाँ के बहुत यानी हाई फाई एरिया, और ये पूरी एक कमर्शियल, ये कमर्शियल स्ट्रीट जो जा रही है जिस पे सारे कमर्शियल टावर्स हैं. बिल्कुल. ये जगह का नाम क्या है, इस शारा का नाम क्या है? इस शारे का नाम है किंग फहद हाईवे, इसको बोलते हैं किंग फहद के जो ये हाईवे है, और इसी में से सब यहीं से अपने घरों में जाते हैं, यहीं से अपने घरों में ड्यूटी पे जाते हैं. और हम जब एयरपोर्ट से आए थे तो आई गेस हम 20 से 25 मिनट हमने यहाँ पे इस रोड पे ड्राइव की. बिल्कुल बिल्कुल, ये रियाद की सबसे बड़ी रोड है, और ये कह लेंगे किंगडम ऑफ सऊदी अरब के सबसे बड़ी रोड यही है, मेन हाईवे है. और यहीं से आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, यहीं से आप अपने साउथ की तरफ जाते हैं, यहीं से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, इसी के बीच में आप वेस्ट में चले जाते हैं और ईस्ट में चले जाते हैं. सही, ये वाली साइड कवर कर ली. अब फवाज भाई थोड़ा सा उस जगह के बारे में, ये कौन सी, ये एरिया जो है वो जो आप उस तरफ देख रहे हैं वो मलज एरिया और सुलेमानिया एरिया है. और अगर आपको वहाँ पे बैक ग्राउंड दिख रहा होगा, और शायद जहाज़ अगर आप कर लें क्लोज, या आप जूम इन करके देखा दें, वहाँ पे ओल्ड एयरपोर्ट है. अच्छा, ये अभी जो है रियाद का एयरबेस बन चुका है, किंग सलमान एयरबेस उसको बोलते हैं. वहाँ पे एक आपको सऊदी एयरलाइन का जहाज़ भी दिखेगा, और कंट्रोल टावर भी दिखेगा, और डिफरेंट छोटे छोटे एयरक्राफ्ट आपको नज़र आएंगे. अभी तो शायद वैसे ट्रेनिंग तो बंद हो गई, वैसे आपको उड़ते नज़र आते ही, वरना अगर आप थोड़े अर्ली आए थे. अच्छा, जस्ट मेरे सवाल जहन में एक ऐसे सवाल आया कि आजकल जो टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है, ड्रोन्स भी आ गए हैं. बिल्कुल. तो क्या अलाव है यहाँ पे, हमें देखने वाले कुछ और भी यूट्यूबर्स होंगे जो हो सकता है यहाँ पे ड्रोन उड़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसकी क्या अपॉर्चुनिटी है? बेसिकली जो ड्रोन्स का भी जो मामला है किंगडम में, कि आपको पता है लाइसेंस लेना पड़ता है उसके लिए. कोई भी वीडियो बनाने से पहले एक बार सोच लेके उसको जो है ना लाइसेंस, उसके पास अथॉराइज्ड आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, परमिट होना चाहिए अपने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से. गाइस, कीप इन योर माइंड कि अगर आपके पास ड्रोन है तो आप उसको कभी भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल और कोई भी गवर्नमेंट जगह को एक्सेस करने की कोशिश ना करें. और उससे पहले जैसे दुबई में भी आपको पहले लाइसेंस लेना होगा, और उस लाइसेंस के बाद वो सिर्फ आप स्पेसिफिक जगहों पर ही ड्रोन उड़ा सकते हैं. ठीक है फवाज भाई, अब आते हैं इस साइट पर. यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि ये है तखासिसी रोड, ये भी एक मेन हाईवे कमर्शियल जो रोड जा रही है. हाँ जी, ये जो है प्रिंस सुल्तान रोड है, तो मेट्रो स्टेशन भी बन रहे हैं जी. और ये फैसले मॉल का एक हिस्सा है जो अभी रेनोवेशन पे है, और ये बहुत खूबसूरत मॉल होगी. तकरीबन इसको लग जाएंगे 6 मंथ्स तक या 5 मंथ्स तक इसको ओपनिंग में लगेंगे. और यहाँ पर बहुत शानदार रेस्टोरेंट्स भी आपको मिल जाएंगे,
जैसे कि आपने ये अंडरग्राउंड बाईपास देख रहे हैं कि यहाँ से मेट्रो जो है नीचे आएगी और यहाँ से पब्लिक एंट्री लेगी मॉल के अंदर। एक बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एक आइडिया दिया है, एक बहुत पब्लिक के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बना रहे हैं। कन्वेंस का प्रॉब्लम है तो यहाँ से वो लोग आराम से अपना जो है ना मेट्रो को यूज़ कर सकते हैं। और ये विजन 2020 है या उससे भी आगे तक जाए? ये विजन 2020 है और इसके आगे भी जाए। और दूसरा ये है कि आप किंग फहद लाइब्रेरी दिखा दें इनको। ये आपके पास किंग फहद लाइब्रेरी है, उसके बाद ये टाउनिया बिल्डिंग है, ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं इसमें। और जो किंग फहद लाइब्रेरी है जैसे कि आपको दिख रहा है वाइट वाला, इसका किंग फहद लाइब्रेरी। आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे अपना, यहाँ पे एंट्रेंस फ्री है या मेंबरशिप है? यहाँ पे एंट्रेंस फ्री है और एज़ पर अगर आप वहाँ पे अपना आईडी और सब डाटा अपना इन्फॉर्मेशन दे के आप वहाँ से कोई भी बुक इशू करा सकते हैं। तो गाइस इस तरह हमने बातें भी की फवाज भाई से, और फवाज भाई कभी पाकिस्तानी का ये बात सुन के मुझे बड़ी हैरत हुई है। अच्छा फवाज भाई, इन सारी बातों के बियॉन्ड अभी आप नेक्स्ट 5 ईयर में अपना करियर कहाँ देखते हैं? क्योंकि एक रेवोल्यूशन जो आया है यहाँ पे चेंज, जिसने सबको इफेक्ट किया है, एक्सक्लूडेड लोकल लोगों को, तो उसके बारे में आपका क्या विजन है? कोई यहाँ पे नया आने वाला है, चाहते हैं लोग अपना आपको देखकर लोग मोटिवेटेड होना होंगे कि काश हम भी ऐसे वापस जाएं और सऊदी अरब से वापस कभी ना जाएं, आप क्या देखते हैं आगे? देखिए जहाँ तक आपके सामने है कि हर जगह सऊदी अरबेशन है, और जो अच्छी बात भी है कि इनके अपने लोगों को भी चांस दे रहे हैं और डिफरेंट लोगों को भी, सिटीजन्स को भी चांस दे रहे हैं। जैसे हमारे अलावा पाकिस्तानियों के अलावा भी इंडियंस भी हैं और अदर नेशंस भी हैं, एशिया के भी हैं, और उनके लिए भी इन्होंने अभी तक इन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज रखी हैं और जॉब्स भी हैं। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर जॉब्स नहीं है और आगे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जैसा कि मैं आपको एक टावर बता देता हूँ, किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल बिल्डिंग्स हैं, वो अभी आई थिंक 2020 में ओपन होंगी या रमज़ान के बाद ओपन होंगी, और उसमें जॉब्स ही जॉब्स हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपकी एक फील्ड है जो आपने जो पकड़ी है या उसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ट्रेनिंग्स मिलेंगी और आपको काम करने का एक मौका मिलेगा। और वो सिर्फ लोकल के लिए होगा कि वो डिफरेंट के लिए होगा? आप देखें, अगर आप ऑनलाइन सर्च में जाएं तो आपको मिल सकती हैं जॉब्स यहाँ पर, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं अभी। तो फवाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें एक्सप्लेन किया और मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आप फ्रैंक बहुत दिखाई दिए मुझे। थैंक यू सो मच, वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आपके तवस्सुस से हम यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू सर, ये व्यू हमने इन्जॉय किया सर। और मेरा सलाम बोलिएगा आप जहाँ से भी आए, अपनी फैमिलीज को और तमाम वालों को भी, स्पेशली रजा भाई तो जानते हैं, आपसे मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है, बहुत नाइस मीटिंग। तो इंशाल्लाह कल की हमारी फ्लाइट है, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत आप लोगों का देखने का शुक्रिया, आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो अगेन प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने करियर में आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतने आगे बढ़ेंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ पैसे की लालच में सऊदी अरब या किसी भी मुल्क जाएँ और आपको कोई हुनर ना आता और आप कामयाब हो जाएँ। तालीम के बगैर, हुनर के बगैर आप कुछ नहीं है। सो कीप इन योर माइंड और देखते रहिए अरब।